जय जेसु। यीशु प्रभु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 290 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ के 28वें अध्याय पर आज हम मनन करेंगे। इस अध्याय में आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम दो बातें प्रभु प्रकट करते हैं। सबसे पहली बात इसके पहले भाग में 1-14 तक के वचनों में है, बेशर्त दूसरों को क्षमा देने की बात, जिससे प्रार्थना करने पर हमको पाप क्षमा मिल जाए। वचन दो, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। पहला वचन, ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देता है, उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। वचन तीन, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। इसलिए इस अध्याय में गुस्सा, क्रोध, बैर, बदले की भावना, झगड़ा, शत्रुता, फूट, उग्रवाद, विवाद, इन तमाम बातों से दूर रहने के लिए प्रभु हमको सलाह दे रहे हैं। और क्षमा देने के लिए बहुत ही आसान एक तरीका बताया गया है, वो है अपने मृत्यु के बारे में सदा सोचना। वचन छः, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो, विकृति तथा मृत्यु को याद रखो, आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं का ध्यान रखो, अपने पड़ोसी से बैर ना रखो, सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो, दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरा संदेश इस अध्याय से, वो 15-30 तक के वचनों में है, चुगली करने से कितना खतरनाक हादसा हो सकती है उसके विषय में समझाते हैं। चुगली दूसरों की करने से उसके फलस्वरूप क्या क्या विपत्ति आ जाती है, चुगली से, जीभ पर नियंत्रण ना रखने से, दूसरों की चुगली करने से, कपटपूर्ण बातें करने से, जिसे हम लोग गोसिपिंग, स्लैंडर ऐसा सब कहते हैं, उससे क्या क्या विपत्ति आ जाती है। मुख्य रूप से 12 विपत्ति आती है इस अध्याय के अनुसार। पहली विपत्ति यही है, ये चुगली ने बहुत से शांति प्रिय लोगों का विनाश किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कई लोगों को हिलाया और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक भगाया, हिलाता है, भगाता है। हालेलुया। और तीसरी बात कि अनेक किलाबंद नगरों का विनाश किया चुगली। और चौथा असर क्या है, अनेक महान लोगों के घर को गिरा दिए। और पांचवी बात, उसने या ये चुगली ने सुयोग्य स्त्रियों को अपने घर से निकाले और उनके परिश्रम के फल से उन्हें वंचित रखे। तो ये पांचवी बात। छठवीं बात, चुगली जो है अशांति पैदा करता है, हृदय अशांत रहेगा, शांति से वंचित रहेंगे। सातवीं बात, विश्वास पात्र मित्रों से आपको वंचित रखेगी, कौन, चुगली। और आठवीं बात, यह हड्डियां तोड़ती है, इतना सामर्थ्य रखती है। और नौवीं बात, तलवार से जितने लोग मारे गए उससे ज्यादा लोगों का विनाश ये जीभ ने इस तरह किया है। और दसवीं बात, इससे ये चुगली करने से लोहे की जुआ और कांसे की बड़ियां पड़ जाती है, यानी बहुत बड़ी गुलामी में चली जाती है। ग्यारहवीं बात, दारुण मृत्यु लेके आती है, ये जो मृत्यु लाती है दारुण सी मृत्यु है। और बारहवीं बात, ये चुगली जो है हमेशा जलते रहने वाली एक आग को जला देता है, एक आग प्रज्वलित करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बताते हैं, धर्मी लोग बचे रहेंगे, धर्मियों पर उसका वश नहीं चलता, ये ज्वाला में वे नहीं जलेंगे।
धार्मिकता का जीवन बिताएंगे। इसलिए जीभ पर नियंत्रण रखना कितनी जरूरी बात है, कितना महत्वपूर्ण बात है, प्रभु का वचन हमको बता रहे हैं। अंतिम दो वचन, हम लोग अपने मुंह पर दरवाजा ताला लगाओ, अपना सोना चांदी ताला लगाकर बंद रखो, अपने शब्दों के लिए तराजू और बाट बनवाओ, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिह्वा फिसल जाए, तुम गात में बैठे हुए शत्रुओं के सामने गिर जाओ, तुम्हारे पतन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए, पतन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए। हालेलुया। इस तरह ये 28वां अध्याय प्रवक्ता ग्रंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, जो हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायी आध्यात्मिक बातों को प्रकट करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह के अध्याय 21 में यहूदा और यरूशलेम पर होने वाली विपत्ति की एक परम चेतावनी प्रभु नबी के द्वारा दे रहे हैं। वास्तव में यरूशलेम पर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जब घेराबंदी शुरू हुई, यह ईसा पूर्व 598 की बात है, तब राजा सिदकिया कुछ पुरोहितों को नबी के पास भेजा, प्रभु हमारे विषय में क्या बताते हैं कि हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। किंतु नबी ने संदेश दिया, अपरिवर्तनीय दंड, अब वापस नहीं लिया जाएगा, प्रभु अपना मन बना चुका है। और पांचवा वचन में, क्योंकि मैं स्वयं अपना बाहुबल प्रकट करते हुए तुम पर अपना हाथ उठाऊंगा, प्रचंड प्रकोप एवं क्रोध के आवेश में तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। इसके पहले कई बार प्रभु ने इसराइल को ऐसा बताया, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं युद्ध करूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन अब सब कुछ बदल गया, प्रभु कहता मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारा शत्रु बनकर लड़ूंगा, अपना बाहुबल प्रकट करूंगा। तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए बाबुल केवल नहीं, प्रभु तुम्हारे विरुद्ध हो चुका है। प्रियजनों, इसका कारण पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। याकूब के अध्याय 1:15, ये उनका पाप पूर्ण विकसित हो चुका था, मूर्ति पूजा, परस्त्री गमन इत्यादि पापों में, और गलत पैसा की कमाई, इन पाप पूर्ण रूप से विकसित हो गया, इसलिए अब उसके ऊपर मृत्यु आ रही है, विपत्ति आ रही है। तुम्हारा पाप तुमको दंड देगा, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारेगा, यिर्मयाह के अध्याय 2:19 में हम देखे थे, वही कारण है। इसलिए प्रभु जब किसी के विरुद्ध आ जाता है, उसको कौन बचा सकता है? कोई भी बचा नहीं सकता, प्रभु स्वयं उनके खिलाफ हो गया। और इसलिए राजा, प्रजा, सभी लोग विपत्ति का शिकार बनेंगे और निर्वासन में चले जाएंगे। यही है 21वां अध्याय। हालेलुया। यिर्मयाह के 22वां अध्याय राजा वंश के खिलाफ प्रभु का दोषारोपण है। यहूदा के राजाओं पर प्रभु विपत्ति की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। इस अध्याय हमको बताते हैं प्रभु यहूदा के राजाओं से, इसराइल के राजाओं से, यहूदा के राजाओं से क्या क्या चाहते थे। सबसे पहले धर्माचरण मांगते थे, न्याय की व्यवस्था प्रभु उनसे चाहते थे। लेकिन सुख सुविधाओं के बीच में अनेक राजा लोग प्रभु के खिलाफ कार्य किया, प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखे और पाप पर पाप करते गए, इसलिए उनका संरक्षण नष्ट होता गया और उनके ऊपर विपत्ति आती गई। पहले 9 वचनों में सामान्य रूप से राजवंश के विरुद्ध शब्द है, किंतु 10वां वचन से एक एक जन के नाम लेकर उनके ऊपर आने वाली विपत्ति का विवरण है। 10वां वचन से 12 तक शल्लूम के विरुद्ध, ये शल्लूम कौन था? जोसिया राजा का बेटा था। यहूदा के राजाओं में एक अच्छा राजा था, जोसिया राजा, वो प्रभु पर श्रद्धा रखा
लोगों को प्रभु पर श्रद्धा रखने के लिए वे मेहनत किया लोगों से श्रद्धा रखवाने हेतु, और लोगों के बीच में प्रचलित मूर्ति पूजा को रोकने के लिए बहुत मेहनत किया। अंत में उसकी हत्या की गई मिस्र के राजा फिराउन नेको के द्वारा ईसा पूर्व 609 में मेगिदो नामक जगह में। उसकी हत्या करने के बाद उसके जगह में फिराउन नेको ने उसके बेटे शल्लूम को राजा बनाया। शल्लूम का दूसरा नाम है यहो याहास। हालेलुया। और उसके विषय में हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 23 में वचन 31 से पढ़ते हैं। ले शल्लूम भी प्रभु के खिलाफ कार्य किया, यानी प्रभु की इच्छा के खिलाफ, प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरा किया। इसलिए 2-3 महीने के अंदर उनका भी राजा के पद से हटाया गया। फिराउन नेको ने उनको बंदी बनाकर मिस्र देश लेकर गया और उसके जगह में उसका भाई एलियाकिम को राजा बनाया। उसका नाम है एलियाकिम, लेकिन राजा बनते समय यहोयाकिम नाम से वो राजा बना। और शल्लूम का क्या हुआ? शल्लूम को एक ही बार के लिए मिस्र देश लेकर गया और वहां से वापस आ नहीं पाया, वहीं उसकी मृत्यु हुई। इसलिए 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, मृतक के लिए विलाप मत करो, उसके लिए शोक मत मनाओ। ये योशिय्याह के बारे में, योशिय्याह मर गए, उनके लिए शोक मत मरो, क्योंकि वो धर्माचरण किया, धर्मी व्यक्ति थी, इसलिए उसको शांति मिलेगी। उसके लिए फूट फूट कर रो जो विदेश चला गया है। कौन है वो? ये शल्लू, क्योंकि वह फिर कभी नहीं लौटेगा, वह फिर कभी अपनी जन्मभूमि के दर्शन नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ, वापस आ नहीं पाया। उसके जगह में यहोयाकिम राजा बना। यहोयाकिम प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरा कार्य किया। उसके बारे में राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 24वां अध्याय में बताया गया है, और इसलिए प्रभु उनका भी न्याय किया। और वचन 19 में, वे गधे की तरह उसका दफन करेंगे, वे उसे यरूशलेम के बाहर घसीट कर उसे वहां फेंक देंगे। ऐसा हुआ इनके साथ, राजा के साथ, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में बुरा किया। उसके बाद यरूशलेम के विरुद्ध वचन है 20 से 23 तक, उनके विषय में बताया गया है, तुम अपनी जवानी के समय से यही आचरण करती रही, तुमने कभी मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यरूशलेम के बारे में प्रभु कहते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी विपत्ति आ रही है। और उसके बाद हम लोग यकोनिया के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन है? यहोयाकिम के पुत्र है। तो यहोयाकिम जब मर गए, उनके जगह में उसका पुत्र, उसका बेटा राजा बना। इसलिए उनके विषय में 24 से लेकर वचन है, वो भी प्रभु की दृष्टि में बुरा आचरण किया, इसलिए वो मारे गए। और उसको कौन? राजा नबुकदनेस्सर ने बाबुल के निर्वासन में इसको लेकर गया, ये यकोन्या को। उसका दूसरा नाम है यहोयाकिन। उसको राजा, उसको बाबुल के निर्वासन में लेकर गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो रही है। उसका बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उसके बाद राजा बना उनके पिताजी के भाई, यानी उनके अंगल जो है, उनका ताऊ जी, उसके जगह में राजा बनाया गया। उसका नाम है सिदकिया। इस तरह राजाओं के ये पीढ़ियों में हम देखते हैं, योशिय्याह के बाद कोई सद आचरण करने वाले, अच्छे आचरण करने वाले, धर्माचरण करने वाले राजा आए नहीं। एक के बाद एक सब कुटिल और प्रभु के दृष्टि में बहुत ही कटु व्यवहार आचरण करता था, पाप के आचरण करते थे। इसलिए एक के बाद एक वे सब के सब मृत्यु के हवाले हो गए, और उनके द्वारा कोई भलाई यूदा को नहीं मिली।
इसलिए इस पूरे अध्याय में राजवंश के विरुद्ध प्रभु दोषारोपण के साथ साथ दंड की घोषणा कर रहे हैं। वो अध्याय समाप्त हुआ, वो है 22वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। हम मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 2 में हैं। सबसे पहले अर्धांग रोगी को प्रभु चंगा करते हैं। हम इस तरह पढ़ते हैं, ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। हालेलुया। जिसके घर पे प्रभु बैठा था उनको जरूर नुकसान हुआ है, घर को प्रभु के कारण कुछ नुकसान जरूर आए हैं क्योंकि इन्होंने उसके छत खोल दी, लेकिन आशीर्वाद उससे ज़्यादा जरूर उस घर को मिले हों क्योंकि कितने लोगों को उस घर में आकर चंगाई मिली है। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देकर जिन्होंने छत खोले, उनके विश्वास देकर, उनको डांटा नहीं, उनके विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो उन लोगों ने इस अर्धांग रोगी को पाप स्वीकार कराने के लिए लेके आया, काफ़ी समय से तुमने पाप स्वीकार नहीं किया है, चलो यीशु आया है पाप स्वीकार करो बोलकर लेकर थोड़ी आया, बल्कि चंगाई के लिए लेके आए। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहते हैं तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। संदेश क्या है? जब तक पाप क्षमा नहीं मिलते हैं तब तक शरीर की चंगाई होती नहीं है। पाप क्षमा चंगाई के लिए बहुत ही जरूरी एक बात है। हालेलुया। इसलिए जॉर्ज लियो हेडोक नामक ईश शास्त्री बताते हैं, बीमार व्यक्ति को सबसे पहले अपनी आत्मा की औषधि लेने के लिए कलीसिया के पास जानी है, संस्कार सब स्वीकार करनी, यानी पाप स्वीकार, संस्कार, परम प्रसाद, ये सब स्वीकार करते हुए अपने शरीर अपनी आत्मा की बात सबसे पहले अच्छा करे, क्योंकि प्रभु यहाँ पर चंगा करने के लिए सबसे पहले आत्मा की चंगाई सबसे पहले लाई। इसका मतलब आत्मा की बीमारी है पाप, और उसको प्रभु चंगा किया, पाप क्षमा दिया, उसके बाद ही चंगाई आती है। हालेलुया। इसलिए उसके बाद तब वो उठ खड़ा हुआ, चरपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए, उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए वचन कहता है जो अपना पाप छिपाता है उन्नति नहीं करेगा, उनको चंगाई नहीं मिलती। इसलिए पाप क्षमा पाने की बहुत ही जरूरत, बहुत ज़रूरत है। धन्य है वे जिसके पाप क्षमा हुआ है, अपराध मिट गया है, स्तोत्र ग्रंथकार कहता है। उसके बाद लेवी का बुलावा है। इसराइलियों के अनुसार नाकेदार बड़ा पापी समझा जाता था, और ऐसे एक नाकेदार को प्रभु बुलाया, शिष्य बनाया, और उनके घर पे जाकर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। लेकिन जब वे सब ईसा के अनुयायी बने, कुछ लोग भुनभुना रहे थे, फरीसी और शास्त्री ईसा पापियों नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। इसलिए पापियों को बुलाने केवल यीशु आया, धर्मियों को बुलाने नहीं आया। तो आपको पाप स्वीकार करना होगा, जिससे आप ये स्वीकार कर रहे हैं मुझे यीशु की ज़रूरत है। इसका मतलब पाप स्वीकार जो भी व्यक्ति करता है, जो ये स्वीकार करता मैं पापी हूँ, वो प्रभु की जरूरत को, प्रभु मुझे प्रभु की ज़रूरत है उसकी घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पापियों को बुलाने आए हैं। जहाँ जहाँ एक व्यक्ति पाप स्वीकार करते हैं, मैं पापी हूँ स्वीकार करते हैं, तब जाके उसको यीशु अपना लेता है। यीशु की ज़रूरत उस व्यक्ति को होती है, इस तरह वो स्वीकार करता है पाप स्वीकार। पाप स्वीकार का मतलब यीशु की ज़रूरत है, मुक्तिदाता की ज़रूरत है, पाप क्षमा देने वाले की ज़रूरत है, इस बात को स्वीकार करना होता है। हालेलुया। उसके बाद उपवास का प्रश्न है।
ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक बना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। इससे प्रभु ये संदेश दे रहा था कलीसिया के समय में, कलीसिया में सब लोग उपवास करेंगे। यीशु के चले जाने के बाद कलीसिया में उपवास जरूर होगा, इसलिए उपवास काल हम लोग मना रहे हैं। उपवास करना बहुत ही जरूरी है कलीसिया के लिए, प्रभु ने इसको निर्धारित किया है, इसलिए हमारे पास आज उपवास रूपी एक अस्त्र शस्त्र है, एक हथियार है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, कोई पुराने कपड़े पे कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया के बारे में ही है, प्रभु अपने नई अंगूरी रखने हेतु, नई अंगूरी प्रभु की शिक्षा है, नई शिक्षा है। हालेलुया। नया अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, नई अंगूरी, उसको पुराने मशकों में नहीं, वो यहूदी धर्म है, नियम है यहूदियों का, पुराने विधान है। इसलिए प्रभु अपनी नई शिक्षा को रखने के लिए एक नई मशक बनाया। हालेलुया। नई मशकों में नई अंगूरी डाली जाती है, उसके लिए नई शिक्षा। कलीसिया में सब कुछ नए है, पुरानी बातें, कई बातें पूर्ण रूप से मिट गया, जैसा कि खतना, वो सब यीशु के साथ समाप्त। कुछ बातें यीशु में पूर्ण हो चुका है, यानी भविष्यवाणियां नबियों की यीशु में समाप्त हो चुका है, यीशु में पूर्ण हो गया। हालेलुया। और पुराने विधान की काफी बातें नए विधान में पूर्ण हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु एक नई मशक बना रहे हैं, और कलीसिया उसमें नई शिक्षा होगी, प्रभु की शिक्षा। यहाँ पर पुराने विधान में नियम को बहुत ज्यादा महत्व देता था, यहाँ पर नियम को बहुत ज्यादा महत्व नहीं, उससे ज्यादा प्यार, दया। इसलिए यहाँ पर तुम स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण बनो। कैसे? स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। यहाँ पर दया का महत्व है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, मैं एक नई शिक्षा तुमको देता हूँ, नई आज्ञा तुमको देता हूँ, जैसे मैंने प्यार किया वैसे प्यार करो। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो है नई मशक जो है कलीसिया है, और प्रभु की नई शिक्षा है कलीसिया में। सबसे ज्यादा महत्व प्रेम का है, प्रेम का अभाव है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पुराने मशकों में वो नहीं था, नियम नियम नियम, ये करो वो करो वो करो, लेकिन यहां पर पूरा करने की बात केवल नहीं है, यहां पर प्यार, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? यौहन के पुत्र सिमोन, क्या तुम सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? हालेलुया। हम प्यार सबसे महत्व रखता है, क्या तुम प्रभु को प्यार करते हो? प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। इसलिए यहां पर प्रभु महत्व, उपवास से ज्यादा महत्व यहां पर कुछ अलग बात के लिए। हालेलुया। यहां पर प्रभु में आनंद मनाने के लिए, क्योंकि ईश्वर का राज्य है, प्रभु यीशु में ईश्वर का राज्य है, ईश्वर के राज्य में आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है। यहां पर उदासी को जगह नहीं है, यहां पर स्तुति का वस्त्र है, धार्मिकता का वस्त्र है, हालेलुया, स्तुति का चादर है। हालेलुया। और यहां पर कृपा को अधिक महत्व है, नियम को नहीं। हालेलुया। इसी को नई मशक, इसलिए नई मशकों में नई अंगूरी डाली जाती है। प्रभु को धन्यवाद। अंतिम शब्द वचन 28, इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। हालेलुया। संदेश क्या है? कि मानवता को नियम के ऊपर प्रभु प्रतिष्ठित कर रहे हैं। एक नियम को
मानवता के लिए तोड़ने की अनुमति दे रहे। हालेलुया। भूखे शिष्य लोग कुछ कार्य किया जो उस समय के प्रचलित नियम के अनुसार मना था, लेकिन प्रभु उसको अनुमति दिया। और उसके लिए प्रभु दाऊद ने जो कार्य किया वो भी वो कर नहीं सकता था, पुरोहित केवल खा सकता था, लेकिन भूखे दाऊद ने उस समय जो रोटी खाई है प्रभु उसकी निंदा नहीं की, बल्कि उसको वो छूट थी और उस बात को लेके यहाँ पर अपने शिष्यों को छूट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मानवता से बढ़कर और कुछ नियम नहीं है। मनुष्य की भलाई, उनकी भूख मिटाना, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता मैं दया चाहता हूँ। I don't want sacrifice, but I want mercy। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। ये नई मशक। हालेलुया। पुराने मशकों में पुरानी अंगूरी, लेकिन नई अंगूरी जो है नई मशकों में डाली जाती है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में कुछ नियमों को, सब नियमों में छूट देने का अधिकार कलीसिया के पास है। हालेलुया। विवाह संबंधी कुछ नियमों में छूट कलीसिया देती है मनुष्य के प्रति। अभी संत पापा मानवता के लिए कितनी नई बातें बताते हैं, तो नियम पर बहुत ज़्यादा महत्व रखने वालों को कुछ कुछ तकलीफ होने लगता है कि संत पापा वो नियम को तोड़ दिया, ये नियम को तोड़ डाला। ऐसा मानवता सबसे बड़ी बात है। मनुष्य पर दया, उनको समझना, उनकी जरूरत को समझ पाना, यह सबसे बड़ा धर्म है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उसके पक्ष में बोल रहे हैं। इसलिए उसने कहा मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य और सभी संतों की मध्यस्थता और योग्यता आप सभी लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।